हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं जो कि हैं पेज नंबर 109 पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले ही हैं क्वेश्चन। इससे पहले हमने एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। अब उसके बाद ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 109 पर ही। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड और बी पार्ट में कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो भी गिवन होता है वो चीज़ लिख लिया करो। तो रेस्ट से मूव हुई है तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि ए कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें पता चल जाना चाहिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होना है। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है, फॉर 2 मिनट्स, यानी कि टाइम दिया हुआ है कितना, 2 मिनट्स का। इसको चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में, तो कैसे करेंगे, 2 × 60 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 × 60, दैट इज़ 120 सेकंड। क्लियर है। अब स्पीड एक्वायर्ड, कितनी उसने स्पीड ली होगी, मतलब कि वो आपसे क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, और बी पार्ट में किस बारे में बात कर रहा है, वो आपसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो एस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो अब समझ में आ रही होगी बात आपको, तो डिस्टेंस जो है हमारा वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल हम ले सकते होंगे, इसी वजह से यहाँ पर उसने बोल दिया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जबकि हमें इक्वेशन में पता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ इक्वल होगा, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कभी भी आपको। ठीक, तो देखो अगर हमें v निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है तीन कौन कौन सी हैं, v इक्वल टू में u प्लस में at, ये फर्स्ट इक्वेशन है, s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो अब इसमें से कौन सी लग सकती है, देखो u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो v निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू में u प्लस में at, देखो u कितना है हमारे पास, 0, प्लस में a कितना है हमारे पास, 0.1, और टाइम कितना है हमारे पास, 120 सेकंड। ठीक है, तो ये देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो देखो 0.1 है तो ये 1/10 कर दूँ मैं यहाँ पर, और ये है 120, तो ये पॉइंट हटाया ना इसलिए 10 लगाया, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 12, तो v है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर हो गया। दूसरे में क्या कहता है हमें, बी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि एस निकालना है यहाँ पर, तो एस के लिए देख लो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ये, ठीक है ना, यानी कि दो इक्वेशंस हैं, एक सेकेंड इक्वेशन और एक थर्ड, तो इसमें देख लो जरा कौन सी लग सकती है, यू है हमारे पास इसके लिए, टी भी है, और यहाँ पर ए भी है और टी भी है, तो ये भी लग सकती है, और ये वाली में ए भी है, यू भी है, वी भी है, तो यानी कि दोनों ही लग सकती हैं, तो किसी एक से कर दो। ठीक है, तो चलो हम थर्ड का यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हो वैसे तो आप यहाँ पे, लेकिन हम थर्ड का यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो देखो ज़रा क्या आएगा आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, और v है हमारे पास कितना आया यहाँ पर, v हमारा अभी 12 आया है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस में u कितना है, 0, तो ये 0 का स्क्वायर, 2 × में, और ये a कितना है, 0.1, और ये s 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वल टू में लिख देते हैं डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई में 0.1 है, तो 1 के नीचे हम 10 लगा देंगे पॉइंट हटा के, और ये s साथ में है। ठीक है, और ये 2 × 5 = 10, तो देखो यहाँ से s इधर ही रहने दिया, और ये 1/5 बचा, जो इसका 5 इधर ले गए, 144 मल्टीप्लाई में 5, और 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आता है, ये आ जाएगा आपके पास 5 × 4 = 20, 5 × 20 और 22, 5 × 5 और 2 = 7, 720। तो s जो है हमारे पास कितना आ गया, 720 मीटर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस हो गया 720 मीटर। अब इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत क्वेश्चन इजी है, ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप सब कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर में। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं इसके, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर की, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, नेगेटिव का दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ना भी नेगेटिव का होता दिया तो आपको नेगेटिव ही लेना था, क्यों, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाइड हो रखे हैं। ठीक है ना, तो ब्रेक जब भी अप्लाई होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है, इस वजह से माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, और फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पर आने से पहले बताओ कितनी दूर वो गई। तो देखो यहाँ पर पहले तो देख लो स्पीड कितनी दी हुई है, यू मानेंगे इसको 90 किलोमीटर पर आवर की, और ब्रेक्स अप्लाइड हुए हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो, तो यानी कि एस निकालना है, और बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट वाली क्या होती है, 0, तो एस आपको निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, एस निकालना है। तो देख लो अब किस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, यहाँ पर देख लो ये दिखाई दे रही है, ठीक है, इनमें से देखो जरा
डिस्टेंस ही निकालना है, क्योंकि हाउ फार कह रहा है ना, कितनी दूर तक वो गई होगी, तो इनकी डिस्टेंस ही है। तो देखो ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, देखो यहाँ से कौन सी इसमें यूज़ हो सकती है। देखो अगर ये सेकेंड वाली लेंगे तो इसमें टी की ज़रूरत पड़ेगी, टी नहीं पता हमें, और अगर ये थर्ड लेंगे तो इससे हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं क्योंकि हमें वी यू और ए पता है और एस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में टू ए एस। वी कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वेयर माइनस यू कितना है, 90। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर में है, तो ऑब्वियसली बात है जो वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड में होगी, तो उसको कन्वर्ट करने का हमें तरीका पता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को, एंड 18 फाइव ज़ा 90 होता है एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया हमारे पास। क्लियर, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं, यू कितना हो गया 25, इसका स्क्वेयर हो गया एंड इज इक्वल टू में 2, और एक्सेलरेशन है माइनस का 0.5 और यहाँ पर साथ में है एस। बताओ आ रहा है समझ में, सिंपल है। तो जीरो का स्क्वायर तो ये जीरो ही हो गया, माइनस में 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये है 2 मल्टीप्लाई में माइनस 0.5 है, तो 5/10 कर दूँ यहाँ पर, और ये हो गया एस। तो ये 5 2 10 एंड 2 से 2 ये कट गया, तो इधर आ गया माइनस का एस, समझ रहे हो, और इधर कितना है माइनस का 625, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 625 मीटर दूर तक जाएगी ट्रेन। क्लियर, तो यही चीज़ आपसे पूछी थी उसने कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, तो कहाँ तक जाएगी, 625 मीटर तक जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इजी है, ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm/s², व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो अब इसमें क्या, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन, इतना तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं पहले, तो ये कितना है 2 cm/s² है, इसको मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 2/100 लगा देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगता है, तो ये सेंटीमीटर का मीटर बन गया और ये पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 2/100 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है, जीरो है, बिकॉज देखो इंक्लाइंड प्लेन में इस तरीके से होगी, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन ऐसे गोइंग डाउन जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और फिर ये वेलोसिटी होगी इसकी कुछ। ठीक है, तो यू जीरो है एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब टाइम दिया हुआ है आपको 3 सेकेंड का। ठीक है, तो बस आपको क्या निकालना है यहाँ पर, वी निकालना है, तो वी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देख लो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस हैं आपके पास। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, क्योंकि यहाँ पर यू है हमारे पास, ए बी है और टी बी है, तो हम निकाल सकते हैं वी, तो वी निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर कौन सी लग रही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, तो देखो वो क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी, तो v हमें निकालना है, u है ज़ीरो और a कितना दिया हुआ है हमें 2/100 और टाइम कितना है हमारे पास 3 सेकेंड का, तो ये देखो 2 5 ज़ा और ये 3/50 हो गया यहाँ पर, ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 3/50 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पर, ये हो गया 3 अंदर और 50 बाहर। देखो ज़ीरो लगेगी, अभी भी नहीं जा रहा है तो पॉइंट लग गया, ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक ज़ीरो ये लगेगी, फिर ये ज़ीरो लगेगी, अब देख लो किस पे जाएगा ये, 56 का करोगे तो ये 300 बनेगा। ठीक है, तो देख लो क्या आ गया आपके पास, 0.06 मीटर पर सेकेंड, 0.06 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी। क्लियर है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है तो इसको इसी में ही रहने देंगे, चेंज नहीं करते, देखो ज़रूरत भी नहीं है चेंज करने की, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि SI यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, तो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्यों कह रहे हैं हम कि इसे ना भी चेंज करो तब भी जाता, क्योंकि देखो यहाँ टाइम सेकंड में और यहाँ भी टाइम ये सेकंड में ही है, एक्सेलरेशन में जो भी टाइम होगा वो सेकंड में ही है। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर में अगर ये है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी, इसलिए एक्सेलरेशन ऐसा है, तो यहाँ से अगर इसे हम चेंज नहीं करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो उसके लिए क्या आंसर होगा अगर यही लेते हैं हम, तो v इज इक्वल टू में यू प्लस में 80, वैसे ही करके बता रहा हूँ आपको, ये 0 प्लस में ये होता 2 और टाइम कितना है 3, तो ये आ गया आपके पास, देखो 3 2 6 6 cm/s की फिर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो देख लेना किसी की बुक में ये आंसर होगा, किसी की बुक में ये आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो जरा क्या कहता है, कहता है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s², व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो रेसिंग कार है तो ऑब्वियसली बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो ही होगी, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 4 m/s² का,
डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड का, और आपको क्या निकालना है डिस्टेंस, यानी कि एस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देख लो जरा कौन सी इक्वेशन लगाएं हम एस के लिए, दो हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, यू ए और टी गिवन है, तो यानी कि वी तो नहीं है हमारे पास, तो ये तो नहीं लग सकती यहाँ एस के लिए क्योंकि वी नहीं है, ये वाली ही लगेगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एस इज इक्वल टू में होता है आपके पास यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये प्लस का साइन है और ये है टी, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक, यू कितना है, ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई में टी कितना है 10, प्लस में 1/2, ए है कितना हमारे पास यहाँ पर 4, और टाइम कितना है 10, तो 10 × 10 हो जाएगा बिकॉज 10 का स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो ज़ीरो ही हो गया, 10 × 0 = 0 प्लस में, और ये 2 × 2 = 4 हो गया, एंड 10 × 10 = 100, और ये कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो 0 + 200 कितना होता है 200, तो ये 200 मीटर का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, आया समझ में? अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसे ध्यान से समझना कि क्या है कहानी। कहता है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसको देखो ऐसे समझना, जैसे यहाँ पर ये अर्थ है, इससे ऊपर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ये थ्रो किया स्टोन, वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी वेलोसिटी दी उसको 5 मीटर पर सेकेंड की, यानी कि यू है 5 मीटर पर सेकेंड की, और इसका मतलब यहाँ देखो ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो स्टोन रुकेगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी, और ऊपर यहाँ और ऊपर जहाँ वो रुकेगा वहाँ तक का ही हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, इसलिए यहाँ पर ये वी जीरो लिया, क्योंकि जब ऊपर रुकेगा फिर आएगा तो वापस नीचे ही, तो नीचे वाली कहानी नहीं हमें पढ़नी यहाँ पर, बस हमने देखो इस पर थ्रो किया ऊपर, बस ये कहानी पढ़नी है कि थ्रो किया ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आएगा वो कहानी नहीं हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 m/s² इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होता है 10 m/s² होता है, देखो वैसे 9.8 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही एक्सेलरेशन कह रहा है ये। ठीक है, उसको हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डाउनवर्ड की बात कर रहा है ये प्लस में, लेकिन हमने कैसे किया इसको थ्रो, ऊपर की साइड किया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, माइनस का हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन का है 10 का। और वैसे भी याद रखना कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह दो या एक्सेलरेशन कह दो, ऊपर जाते वाली चीज़ का माइनस में होता है, नीचे आती वाली चीज़ का प्लस में होता है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं इसकी, पहले गिवन देख लेते हैं क्या है, यू है 5 m/s और वी है इसका 0, और जो ए है वो कितना लेंगे हम, माइनस का 10 m/s² लेंगे। देखो यही चीज़ इसमें ध्यान देनी थी कि ए है जो माइनस का लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन का बोला है, और जबकि हमने स्टोन को कैसे किया है उसका अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस वजह से ये माइनस में आएगा। ठीक, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड। अब देखो हाइट क्या मतलब हुआ यहाँ पर, देखो ये एक तरह से यहाँ से जब थ्रो किया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, इसको मैं डिस्टेंस ही बोल सकता हूँ ना, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, ऊपर जो हाइट है, हाइट भी क्या है, ये कवर तो कर ही रहा है ना, एक तरह से डिस्टेंस ही कवर कर रहा है ना, कितने मीटर की हाइट होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो है तो क्या, एक तरह से डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो यानी कि हाइट इसका मतलब क्या है, ऐसा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, और यहाँ तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा, तो टाइम भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखो पहले तो हम एस निकालते हैं, एस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला, और एक वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू में 2as वाला। तो हमारे पास है क्या क्या, यू है, वी है, ए है, टी नहीं है। अब अगर टी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है ये तो यूज़ नहीं हो सकती है एस निकालने के लिए, थर्ड वाली हो सकती है, यहाँ पर टी की ज़रूरत नहीं है तो ये हो सकती है, तो थर्ड लगाते हैं यहाँ पर। देखो एस के लिए हम वी स्क्वेयर इस तरीके से लिख देते हैं इसको, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2as, और लिख देना यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी है 0 और यू है कितना 5 इसका स्क्वेयर। इसमें देखो मेन बात क्या थी, ए माइनस में लेना है, वी 0 लेना है, और ये यू है जो स्पीड दी है उसने, ठीक है, जो यानी कि वेलोसिटी जो बोल रहा है वो, क्लियर। तो यू है 5 और इज इक्वल टू में 2, और ए है माइनस का 10, और एस हमें निकालना है। तो ये देखो ये 0, 5 × 5 = 25, और ये माइनस का 20s, और ये माइनस का 25 बचा इधर, और ये माइनस का 20s, एस इज इक्वल टू में माइनस का 25 दिखाई दे रहा है सभी को, अपॉन में 20, एंड 5 × 5 = 5 × 4 = 4, तो आ गया माइनस का 5/4, और इसको डिवाइड कर लो, 4 × 1 = 4, 10.42 = 8, 2 × 4 = 5 = 20, तो ये आ गया आपके पास कितना 1.25 m एस आ गया, ये तो आ गया डिस्टेंस, यानी कि हाइट आ गई एक तरह से, ये हाइट बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर कहते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, तो टाइम भी निकालना है टी, तो टी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी वाली, यहाँ से टी निकल जाएगा, देखो वी है 0 और यू है कितना हमारे पास 5 प्लस में
ए है हमारे पास कितना, माइनस का 10, और ये टी। अभी देखो 5 इधर जाके माइनस का 5, इधर बचा माइनस का 10 टी, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5, और ये नीचे 10 चला जाएगा इसके, और 5 2 10 कितना आ गया, ये 1/2, और 1/2 सेकेंड, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर है? इसे जब डिवाइड करोगे तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 0.5 आएगा। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, है बहुत ही ईजी इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का तो आप कर सकते हो। क्लियर, तो इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तभी आएंगे। ओके जी, थैंक यू।